वेलकम टू करियर हैक्स। मैं अतुल राघवत आप लोगों का स्वागत करता हूं एक और नए ट्यूटोरियल के साथ। लेटेस्ट वीडियो एंड अपलोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम बैक अगेन। एक्चुअली काफी दिनों से काफी बिजी चल रहे हैं लेकिन जिसने जो जो मुझसे पूछा है वो मैंने डेट वाइज प्रॉब्लम्स लिख रखी है, किस किस को क्या क्या क्वेश्चंस है, क्या क्या वो मुझसे जानना चाहते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको आ रही है, सारी चीजें मैंने लिखी है इसमें और इन सब पर मुझे ट्यूटोरियल्स बनाने हैं। ओके, तो अभी मैं बेसिकली बना रहा हूँ रोप लाइट, कोप लाइट, प्रोफाइल लाइट, इसके बारे में, क्योंकि कुछ एक मेरे व्यूवर्स हैं, उन्होंने काफी बार मुझे पूछा है कि सर हमें रोप लाइट का ट्यूटोरियल बता दो, कैसे यूज करना है। कहीं ने पूछा है मुझे प्रोफाइल लाइट का ट्यूटोरियल बता दो। तो बेसिकली जो चीज है मैं आपको बता दूं, रोप लाइट बेसिकली ये रोप होती है नॉर्मल जो स्ट्रिप में आती है, जिसे हम स्ट्रिप लाइट भी कहते हैं, रोप लाइट भी कहते हैं, जो रस्सी की तरह होती है जिसे हम सीधे सीधे लगा देते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज आती है जिसे हम कहते हैं कोप लाइट, ठीक है। कोप लाइट अगर आप देखेंगे तो आपको इंटीरियर्स में जिस तरीके से एक कोप बना दिया जाता है, ठीक है। अगर मैं रोप लाइट की बात करूं तो मैक्स में आते हैं, बनने का तरीका ऑलमोस्ट सेम ही होगा, ऐसा कुछ अलग से नहीं है। सपोज मैंने एक एनगन, नहीं मैं क्या लेता हूं इसमें स्टार लेते हैं, ठीक है। मैंने एक स्टार लिया, ओके, और मैंने लिया एक एंगन, ठीक है। कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन, अटैच दिस स्प्लाइन सेलेक्टेड, और नीचे हम गए, हमने इसे कर लिया बुलियन पिक, ओके, ठीक है। सपोज ये मेरी कोई शेप है, इस पे मुझे रोप लाइट असाइन करना है, ठीक है। मैंने इसे एक इंची मोटा कर लिया, अब इसके लिए मुझे क्या करना, ओके, इसे हमने मोटा कर रखा है, अब हमें बेसिकली इसे लाइट में कन्वर्ट करना है। तो लाइट में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि हमारे जो असाइन रेंडर है, साइन रेंडर बेसिकली वीरे में हो, ठीक है। वीरे हम 3.6 यूज कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कोई दूसरा भी यूज कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मोटा मोटा टूल्स सारे सेम होते हैं, उसको यूज करने का थोड़ा सा पैटर्न चेंज होता है, ठीक है। हम वीरे लाइट में जाते हैं, वीरे में हमें मिलता है मैश लाइट, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज मैं आपसे सजेस्ट करूंगा, ये जब स्प्लाइन है तो ये मैश नहीं है, क्योंकि जब मैं इसे शिफ्ट एस प्रेस करता हूं तो स्प्लाइन हाइड हो जाती है, ठीक है, और शिफ्ट जी प्रेस करता हूं तो ये स्प्लाइन हाइड नहीं हो रही, मतलब ये ज्योमेट्री नहीं है। और एक छोटा सा एल्गोरिदम है मैक्स का, मैश जो वर्ड है वो यूज किया जाता है या तो आपके पास एडिटेबल मैश हो या पॉली हो या जी पॉली पैच या नब्स, ठीक है। ये जो भी चीजें हैं ये आपकी ज्योमेट्रीज होती है, मतलब ये होता है आपका मैश जो शिफ्ट जी करने से हाइड होता है और अनहाइड होता है। ये जो है ये शिफ्ट एस मतलब स्प्लाइन से होता है, ये कर्व्स कहलाते हैं, स्प्लाइंस कहलाती है, ठीक है, नर्व्स कहलाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैश जो वर्ड यूज होता है 3D Max या किसी भी 3D सॉफ्टवेयर में, वो यूज होता है ज्योमेट्रीज के लिए, ठीक है, और ये अभी तक ज्योमेट्री नहीं है। और जब हम लाइट देखते हैं, हम लाइट में जाते हैं तो यहाँ पर ये कहता है कि आप मैश लाइट बना सकते हैं, ठीक है। तो जब मुझे ये चीज पता है तो मैं ये R&D करूंगा ही नहीं कि मैश में जाके इसे पिक करके देखता हूँ कि ये पिक करता है या नहीं। मैं सबसे पहले क्या काम करूंगा, मैं अपने स्प्लाइन को पकड़ूंगा और इसे कन्वर्ट करूंगा एक मैश में, ठीक है, मैश या फिर पॉली, ठीक है। इसे कन्वर्ट करने के बाद, ओके, तो इसे हम पॉली में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हम जाते हैं वीरे लाइट में, हम क्रिएट करते हैं वीरे मैश लाइट एक, ठीक है। मैश लाइट के मॉडिफायर में जाकर हम पिक करते हैं हमारा मैश लाइट ऑप्शन, पिक मैश, और ये पिक। जैसे आप पिक करते हैं बेसिकली आपका ये जो मैश था, अब आप इसे सेलेक्ट कीजिए, ये आपका क्या हो गया है, एक तरीके से वीरे प्रॉपर्टी बन चुका है। अब इसके ऊपर आप जब भी
देखेंगे आपके पॉली के ऊपर आपको लाइट मॉडिफायर मिलेगा जो कि लाइट की तरह बिहेव करेगा। अगर मेरा एक प्लेन है सरफेस की बात हम करें, एक प्लेन सरफेस, रियलिस्टिक की जगह हम शेडेड कर देते हैं, मटेरियल बेस पर हम एक मटेरियल असाइन कर देते हैं हल्का सा ग्रेश, F10 फॉर रेंडर सेटिंग्स हम ऑन करते हैं हमारे एनवायरनमेंट, ओके, और हम लेते हैं बकेट 24 की हमें नीड नहीं है, हम जस्ट रेंडर करके देख रहे हैं कि आउटपुट क्या आना है क्या नहीं आना। तो ये बड़े ही लो लो करके रखेंगे हम, लाइट कैश भी हम कम ही कर देते हैं, बहुत ज्यादा है, सिंपली हम रेंडर करें। तो ये बिहेव करने लग गया हमारे लाइट की तरह, फ्रेम बफर ऑफ रेंडर, ठीक है। ये सरफेस पे टच हो रहा है, लाइट इंटेंसिटी बाउंस कर रही है कुछ ज्यादा, इस वजह से ये, और अभी रेंडर सेटिंग समय बहुत ही लो है इसलिए नॉइज वगैरह सब बन रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब है, सॉरी, वीरे कैम फॉर व्यू, ठीक है। तो जैसे ही हमने वीरे कैमरा लगाया लाइट कंट्रोल हो गई, क्योंकि ये देखिए यहां मैंने वीरे कैम लगा दिया, ठीक है, तो लाइट कंट्रोल हो गई। अब हम चाहे तो लाइट को इंटेंसिटी वगैरह को हम चेंज कर सकते हैं, 32 हम इसे दुगना कर देते हैं, 90, दुगना नहीं तिगुना, ठीक है। तो अब ये लाइट की तरह बिहेव करी, अब ये हमारी है एक तरीके से रोप लाइट, ठीक है। ये तो हो गई आपकी रोप लाइट, अब ये रोप लाइट बन गई। अब सेकंड था कि रोप लाइट, तो ठीक है, कोप लाइट। कोप लाइट बेसिकली आपका एक कोप एरिया बना होता है, डेफ्ट बनी होती है जिसके अंदर आपको कोप लाइट बनानी होती है। मतलब अगर आप माने, मैंने इसका क्लोन किया कॉपी, ये हो गई मेरी सीलिंग, वे लाइट मॉडिफायर मैंने यहां से रिमूव किया, प्लेन ओके, ऐसा मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, ओके। जैसे ये आपका लाइट है, अब आपको अपनी मॉडल वापस चाहिए तो आपको लाइट के अंदर ही ऑप्शन मिलता है एक्सट्रैक्ट मैश एज नोड, ठीक है। जो आपका मैश था उसी को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बाहर, ठीक है, आप उसे एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, ओके। अभी आपके पास मैश आ गया, ठीक है, अनहाइड ऑल, आप लाइट को हाइड करेंगे शिफ्ट एल तो आपको दिख जाएगा नीचे आपके पास आपका मैश है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये पॉली में हमने इसे कन्वर्ट कर ही दिया था, अब ऐसी सेम शेप मुझे बनानी है, तो सेम शेप बनाने के लिए हमारे पास एक टूल होता है जिसे कि हम कहते हैं सेक्शन, हम गए सेक्शन में, ओके, सॉरी, हम गए सेक्शन, ओए ओए, फाइल क्रैश हो गया, ओके, वापस से ओपन करते हैं और काम आगे कंटिन्यू करते हैं, ओके ओके, फाइल वापस से ओपन हो गई, बैकअप से शिफ्ट एल करके देखते हैं, लाइट है और मैश भी है हमारे पास, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे थे एग्जैक्ट यही शेप जिसे हमने पहले बना लिया था और कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, कन्वर्ट कर दिया पॉली में, पर अब शेप चाहिए हमें, तो शेप कैसे आएगी? तो शेप के लिए हमारे पास स्प्लाइंस में सेक्शन नाम का एक टूल होता है जिसे हम यूज कर सकते हैं। इस सेक्शन को हमने रखा यहाँ फ्रंट व्यू में, हमने देखा ये आना चाहिए हमारे मैश को कट करता हुआ, मॉडिफायर में हमें ऑप्शन मिलता है क्रिएट शेप, शेप, ओके शेप, ठीक है। इस सेक्शन की अब हमें नीड नहीं है, अब हम देखें पर्सपेक्टिव में, ज्योमेट्री को हाइड करें शिफ्ट जी और देखें हमें एक शेप मिल गई, ठीक है। ये शेप हमें मिल चुकी है, इसे हम नॉर्मली एक्सट्रूड मॉडिफायर डाल सकते हैं और इसे वर्किंग में ले सकते हैं, F3, ओके, ठीक है, ये था हमारे पास, हमने इसे एक्सट्रूड किया।
और ये शेप थी हमारे पास जो हमने बाहर से एक्सक्लूड की, और शिफ्ट एल ये लाइट है जो हम बना चुके। ठीक है, तो ये बेसिकली उटपटांग काम करने का पर्पज ये है कि आपको पॉसिबिलिटीज पता चले, नए टूल्स पता चले। जैसे आपको सेक्शन टूल इसमें नया पता चल गया, आप मैश मतलब पॉली से शेप कैसे क्रिएट कर सकते हैं आपको वो चीज नई पता चल गई। ठीक है, और रोप लाइट तो थी, अब इसे बनाना है कोप लाइट, तो कोप लाइट बना देते हैं हम इसे। इसे हम नॉर्मली स्प्लाइन है, स्प्लाइन को एक्सट्रूड कर लेते हैं। अब कोप लाइट बेसिकली क्या होती है, अंदर दली हुई होती है। रोप लाइट तो आपने बाहर लगा दी, और ये अब लाइट जो है वो आपके अंदर दली हुई होती है। ठीक है, तो ये आपका सरफेस है। ओके, इसमें आपको कोप बनाना है, तो प्रैक्टिकली जो कोप बना होता है हम वो देख लेते हैं। एडिट पॉली डाल देते हैं, डायरेक्टली बॉर्डर ले लेते हैं, और शिफ्ट के साथ हमने ऊपर लिया, स्केल किया, ओके, शिफ्ट के साथ फिर से ऊपर लिया। ठीक है, तो ये जो एल बन गया आपका, ये एल, ये आपका कोप हो गया जिसके अंदर आपकी रोप लाइट को आपने प्लेस कर दिया। ठीक है, ये आपकी सीलिंग है, ये सीलिंग आपने बना ली, सीलिंग में आपने कोप बना लिया, और ये उसमें लग गई कोप लाइट। ठीक है, और इसका अगर आप बॉर्डर पकड़े वापस से तो आप स्केल कर दीजिए, ओके, टॉप व्यू, वर्टिसेस आपने लिए, इन सबको स्ट्रेट करना है तो ऑब्वियसली आप इन्हें लेंगे, स्केल करेंगे, सेंट्रलाइज स्केल, ओके, यहाँ आपको दिख रहा है, ये रहा टॉप व्यू, और ये आपने किया इन्हें सेंट्रलाइज स्केल, ओके, तो ये आपकी एक बन गई सीलिंग। ठीक है, कंट्रोल के साथ इन सबको लिया, अब पॉली को आप इस तरीके से स्केल करके स्ट्रेट भी कर सकते हैं। ये कुछ एक टूल्स हैं जिनका यूजेस जितना आप करते जाएंगे वैसे वैसे इससे फैमिलियर होते जाएंगे, और आपको चीजें समझ में आती जाएगी कि वर्क करने के लिए आपके पास पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं। ओके, ठीक है, F4, तो ये आपकी सीलिंग हो गई। ठीक है, कंप्लीट सीलिंग, सीलिंग के अंदर आपने कोप बनाया, और कोप में आपने एक कोप लाइट प्लेस कर दी। ठीक है, तो रोप लाइट और कोप लाइट हो गई। थर्ड आता है आपकी प्रोफाइल लाइट। ठीक है, ये भी बेसिकली एक तरीके से वही होता है, लेकिन इसमें कोप नहीं बना होता, बेसिकली एक प्रोफाइल बनी होती है, जैसी एक लाइन है इसके अंदर आपकी लाइट लगी होती है। ठीक है, ये देखिए इजिली आप इजिली समझ में आ जाएंगे। ये भी देखिए इसमें जिस तरीके से है, ये इस तरीके से कटआउट होता है जिसके अंदर आपकी लाइट होती है। ठीक है, ये होती है आपकी प्रोफाइल लाइट। ठीक है, इस तरीके से अंदर फिल हो जाती है अंदर ही सीलिंग में। ठीक है, ये होती है आपकी एक प्रोफाइल लाइट, तो उसके लिए भी आपको कुछ भी नहीं करना, नॉर्मल चीज है। जैसे ये हो गई, इस एज में आपको लाइट देनी है, आपने इस एज को लिया, आपने चम्फर किया, ये आपकी प्रोफाइल बनी, प्रोफाइल को आपने ओपन फेस कर दिया, ओके, कोई दिक्कत नहीं। आपने बाद में दोनों, सॉरी, बाद में आपने दोनों एजेस ली, ऊपर की तरफ कॉपी किया, ओके, ये बन चुका गैप, इनको आपने ब्रिज कर दिया, तो ऊपर से हो गए ये फिल। ठीक है, और ये आपके पास एक प्रोफाइल बनकर तैयार हो गई। अब यहाँ पर आपको इंटरनल एक लाइट प्लेस करनी है, तो आप नॉर्मल वीरे प्लेन लाइट प्लेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने लाइट ली, टॉप व्यू, मेरे पास ये है प्रोफाइल, हाँ यही है, तो मैंने एक वीरे लाइट ली, प्लेन लाइट, ये सीधे 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 प्लेस कर दी मैंने, ओके, रोटेट कर लिया मैंने, ओके, और मैंने इसे इसकी जगह पर प्लेस कर लिया, पर्सपेक्टिव, ओके, इसे रख लिया मैंने यहाँ हल्का सा अंदर। ठीक है, तो जब हम इसे रेंडर करेंगे, ये हमें रेंडर में एज अ प्लेन ही दिखाई देगा, क्योंकि ऑप्शन में हमने अभी तक इसे इनविजिबल नहीं किया। जब हम रेंडर करेंगे ये हमें प्लेन ही दिखाई देगा। ये हो गई प्रोफाइल, ये हो गई कोप लाइट, और ये हो गई आपकी सीलिंग, और जब इस सीलिंग प्रोफाइल और कोप सबको हटा दें तो हो गई आपकी नॉर्मल रोप लाइट। ठीक है,
एक ही के तीन नाम हैं और तीनों के यूजेस अलग अलग हैं, ठीक है? तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और अगर हम अपने किसी ट्यूटोरियल्स की फाइलों की बात करें, तो इस टाइप के जैसे हमारे फाइल्स हैं, तो इसमें जिस तरीके से ये हमने प्रोफाइल बनाई है, एक डिजाइन बनाया है, इसके अंदर वी लाइट मटेरियल हमने प्लेस कर रखा है, तो इसका लुक थोड़ा सा वैसा ही आएगा प्रोफाइल लाइट की तरह। और अगर हम किसी हाँ, ये देखिए यहाँ पे भी हमने जो बनाया है ये एक प्रोफाइल लाइट ही लगाई है अंदर की तरफ। तो ये बेसिक तरीका है इस इन चीजों को लगाने का। और हम अगर इंटीरियर की बात करें तो प्रोफाइल लाइट कोप लाइट लगती है, यहाँ हमने कोप लाइट लगा रखी है, ये बेसिकली हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है? ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट, इसका मॉडल हमने कोप बना रखा है, इसके पीछे हमने लाइट लगा रखी है, ठीक है? शिफ्ट जी ज्योमेट्री हाइट, ये रही हमारी लाइट जो कि कोप लाइट की तरह बिहेव करेगी यहाँ पर, ठीक है? तो इसका तो मैंने पूरा ट्यूटोरियल भी बना रखा है इंटीरियर का, जिसे आप देख सकते हैं एडवांस, ठीक है, एडवांस इंटीरियर और लाइटिंग शेडिंग में, ठीक है? अलग अलग कैमरे, यहाँ पे प्रोफाइल लाइट की नीड नहीं है, यहाँ नॉर्मल लाइट्स लगी हैं, ठीक है? इसमें भी विंडो पर ही थी, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? चलते हैं हम अपने अगले वीडियो पर, अगली प्रॉब्लम के लिए, ठीक है? इसमें इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।